Hey guys, welcome back again to your Vedantu Neet Made Easy channel. और question बहुत ही simple है. Notes पे most of the time इन question को solve करते हैं. Hey guys, welcome back again to your Vedantu Neet Made Easy channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे. All of you doing great. My dear students, atomic structure से सबसे frequently जो neet में question पूछा जाता है, वो basically calculation of nodes से question आता है. और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. आपको सिर्फ एक दो फॉर्मूलाज याद रखनी है और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. देखिए ध्यान से. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है. कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 4D एंड 5P. आपको 4D एंड 5P में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करना है. अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो. आपको पहले मैं फॉर्मूला बता दूं. जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछे जाए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने की फॉर्मूला होती है n-1. ये n यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है. नंबर वन. अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा गया, बताओ एंगुलर नोड्स कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द एंगुलर नोड्स, राइट? कैलकुलेट द एंगुलर नोड्स. एंगुलर नोड्स कैलकुलेट करने की जो फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू एल. मतलब जो भी ऑर्बिटल का एजिमथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, जो भी एल की वैल्यू होगी, दैट गिव्स यू द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स. सिमिलरली अगर आपसे कभी पूछा जाता है, बताओ स्फेरिकल नोड्स कितने हैं, स्फेरिकल या जिनको आप रेडियल नोड्स भी बोलते हो, स्फेरिकल या रेडियल नोड्स कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है n-l-1. n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमथल क्वांटम नंबर, राइट? अब जरा ध्यान से चेक करो. आपके पास 4D दिया गया है. बताओ जरा, अगर मैं 4D की बात करूं, 4D के केस में बताओ n की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है. बताओ जरा D के लिए L कितना होता है? D के लिए L की वैल्यू 2 होती है. As simple as that. आपको N भी मिल गया, आपको L भी मिल गया. जरा एक बार टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करो. टोटल नोड्स मतलब N-1. तो 4-1 आ गया 3. जरा एक बार एंगुलर नोड्स कैलकुलेट करो. एंगुलर नोड्स मतलब L की वैल्यू 2 के बराबर. अगर स्फेरिकल नोड्स पूछे गए हो, तो N-L-1. N कितना? 4. L कितना? 2-1. तो 4-2 हो गया 2, 2-1 की वैल्यू आ गई 1. तो ये आपने स्फेरिकल नोड्स भी कैलकुलेट करे बेसिकली, राइट? आप चेक करो, एंगुलर नोड्स और स्फेरिकल नोड्स मिला के टोटल नोड्स बनते हैं. चेक करो ध्यान से. सिमिलरली आपको दूसरा दिया गया है 3P. 3P के लिए आप सेम प्रोसीजर यूज कर सकते हो. देखो, अगर टोटल नोड्स कैलकुलेट करने हैं, टोटल नोड्स मतलब n-1, n की वैल्यू 3, तो 3-1 2 हो गया, तो टोटल नोड्स आ गए. सिमिलरली अगर आपसे एंगुलर नोड्स पूछे गए, एंगुलर नोड्स मतलब L की वैल्यू, ये जो P सबशेल होता है, इसका L कितना होता है? 1. P के लिए अगर L 1 है, तो एंगुलर नोड 1 आ गया. अगर स्फेरिकल नोड्स पूछे गए हो, तो n-l-1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, माइनस L की वैल्यू 1-1. तो वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी? 1 के बराबर. आप यहां भी चेक कर सकते हो, एंगुलर नोड्स प्लस स्फेरिकल नोड्स, आपको क्या मिलेगा यहां से? टोटल नंबर ऑफ नोड्स. तो नोड्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है. सिंपल ये फॉर्मूला याद रखनी है और क्वेश्चन को अप्रोच करना है. आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा. इसी टाइप के और भी वीडियोज डिफरेंट चैप्टर्स के आपको मिलते जाएंगे. विशिंग यू ऑल द लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल. बाय बाय.